हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने पीछे देख सकते हैं अपना रिज राइडर, मतलब ऋतुराज है। वाइट R15 आज जाएंगे, और आज आपको बताते हैं 24 सितंबर है। आज इको पार्क, मतलब आज हम लोग इको पार्क चलते हैं, तो दिखाते हैं। तो आज आज फ्री है, उसकी एनिवर्सरी है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आज से उसको 1 साल कम्प्लीट हो रहा है। तो आज इको पार्क में पेज वाले डाले थे कि फ्री है, तो हम लोग को पता चला, तो सोच रहे हैं फ्री का मजा लेने हम लोग भी चलते हैं। भाई 100 रुपये लगती है टिकट, उसमें 100 रुपये में आपको 50 रुपीज़ का खाना मिलेगा, मतलब 100 में ही, मतलब ये नहीं कि आप 50 के कर ले 100। तो देखते हैं जो भी होगा, चले दिखाते हैं डायरेक्ट। तो मौसम, मतलब हम लोग का मतलब चुप रहो, थोड़ा हल्ला ना करो। मतलब हम लोग का ये मतलब ये था कि 12 बजे चलते हैं, क्या है कि शाम को देख जानते हैं सभी लोग शाम को जाना प्रेफर करेंगे, तो शाम को इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या है, मौसम आज पानी गिर दिया और 2:30 बज रहे हैं, ठीक है 2:30 बज रहे हैं। तो भाई वैसे ही मौसम है, सनसेट वनसेट तो होगा नहीं, तो चलिए अभी चलते हैं, कम भीड़ होगी, जैसा भी होगा दिखाते हैं आपको। यहाँ से कितना किलोमीटर है आपको, फिर दिखाते हैं सीधे पहुँच कर, डायरेक्ट प्रॉपर ब्लॉग होगा वहाँ का। ये देख सकते हैं अपने रीवा में, मतलब ये रोड भी बन चुकी है, देखिए अपने ये यहाँ से, ये मतलब ये 100 फीट छोटी थी रोड, ये 100 फीट भी बन गई है, देख सकते हैं। वे वाइट R15, दिक्कत इसमें यह है कि भाई पानी गिर दिया, देख सकते हैं इसमें टायर हगर भी लगा, टेल टैडी भी लगी, लेकिन फिर भी जो पीछे बैठेगा तो उसका पिछवाड़ा गीला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और ये अपना न्यू बस स्टैंड वाला फ्लाई ओवर है। चलिए चलते हैं दिखाते हैं, मतलब ये है कि चलिए रील वील बनाने में अपने को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई पानी गिरने के बाद थोड़ा ये देखिए अपना ये जो क्लाउड है, मतलब थोड़ा सनसेट टाइप का हो गया ना, तो ये अच्छा है। जैसे कि जब बारिश होती है देख सकते हैं एकदम, यदि क्लाउड एकदम काला काला हो जाता है तो उसमें व्यू नहीं आता, तो ये व्यू बढ़िया है। तो चलिए सीधे डायरेक्ट मिलते हैं, और पार्किंग चार्जेस भी लगेंगे, जो भी होगा आपको पूरे ब्लॉग में दिखाते हैं। हालांकि अभी बाढ़ भी आई थी, ये देख सकते हैं सिरमौर चौर और गुड़ फ्लाई ओवर के लिए, मतलब एपी, मतलब ये PTS चौराहा चले जाते हैं इधर साइड से। फाइनली गाइस कॉलेज चौराहा पर आ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा और है, ओल्ड बस स्टैंड के पास है अपना। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं, ये देखिए ये अपना इको पार्क, ये जो बिछिया नदी जो बोलते हैं, बड़ी पुल छोटी पुल, इसके यहाँ पे बस है तट पे, और ये देख सकते हैं अपना ये इको पार्क है। आज फ्री है पार्किंग, इको पार्क सब फ्री है, मतलब पार्किंग भी, और यहाँ पे प्रवेश शुल्क देख सकते हैं अपना 100 रुपीज़ है। ये देखिए 5 वर्षों से कम उम्र के प्रवेश निःशुल्क, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के कम लगेगा ये पार्किंग आज। अब भीड़ लगना है, इकट्ठा हो गई, चलिए चलते हैं, आप आगे दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, होटल एंड रूम, मैरिज लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट एंड कैफे, एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैम्पोलाइन पार्क, वाटर पार्क, स्नो पार्क, मतलब बहुत कुछ बना दिया गया भाई, ये देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे देख सकते हैं अपन एंट्री हो गए गाइस, देखिए मतलब कितना प्यारा लग रहा है भाई। यहाँ पे अंदर भी पार्किंग, कार पार्किंग और भी नो पार्किंग। यहाँ पे आज 50% ऑफ भी है, मतलब जो आप चीज़ खाएंगे लंच एंड डिनर, मतलब 750 का जब खाएंगे तब आपको लगता है। अरे देखिए अपना यहाँ पे, मतलब मैं कसम से फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। टॉयलेट भी है, बढ़िया है भाई सब चीज़। रात को भी चलेंगे, मतलब आज तो पूरा दिन फ्री रहेगा, तो मतलब अभी क्या है कि अभी 3:30 बज रहा है ना, तो आपको सुबह का भी व्यू दिखाते हैं और शाम को भी। यहाँ पे ऑफिस है, मंदिर भी है, चलिए अब आगे दिखाते हैं। ओवरऑल पहले आपको पूरा ये दिखा देते हैं 360 अराउंड, ये मतलब प्रॉपर ये इको पार्क का ब्लॉग ही रहेगा, इसमें कोई इको पार्क के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। टिकट काउंटर, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार बताइए, आज एक साल बाद आया हूँ, बिकॉज कुछ अपने दोस्त लोग थे उनके कारण नहीं आ पाए थे हम लोग। चलिए अब इको पार्क रोप वे भी चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बैग भी चेकिंग काफ़ी कड़ाई है, मतलब कुछ आप लोग उल्टा सीधा चीज़ नहीं ले जाना है आपको, चेक बस किया, मतलब मेरे को ऐसा चेक किया भाई, मेरे को तो भाई मतलब मेरे को लगा मतलब हंसी आ रही थी भाई कि चोर हो रहे हैं क्या भाई, ऐसा गुदगुदी लगी थोड़ी सी भाई। चेकिंग के लिए जेंट्स के लिए जेंट्स हैं, लेडीज के लिए लेडीज चेकिंग वाली भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेडी बियर, मतलब एक एलिफेंट है, एक टेडी बियर येलो कलर का, देख सकते हैं अपना ये जो पीछे है ना भाई, अपना रेस्टोरेंट अभी नया बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर भी है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए मंदिर भी। आज मौसम अच्छा हो गया, मतलब हल्की हल्की धूप है, मतलब थोड़ी वो है, मतलब उमस टाइप की, मतलब ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट यहाँ पे है, ये पार्किंग, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, गार्डन कितना प्यारा है भाई, काफ़ी छटाई उटाई चल रही है,
ये देख सकते हैं, ये मंदिर है अपना कुंडेश्वर महादेव मंदिर जी हैं यहाँ पे अपने। अच्छा है मंदिर, भगवान जी को प्रणाम करते हैं। काफ़ी डेकोरेशन, आज सारे जगह डेकोरेशन हो रहा है। और यहाँ पे अपना यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना है भाई। अभी अब चलते हैं भाई जहाँ पे छोटी पुल और बड़ी पुल के बीचों बीच बना, ये टापू में बना हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे साइकिलिंग भी होती है यहाँ पे। मिल गए भाई, मतलब इतना रीजन बन गया भाई कि मतलब पहचान तो मुझे जाते ही है, मुझे मतलब शर्म भी लग रही है भाई। चलो पहले यार भाई इधर दिखाते हैं, मिस्टर भीम कैफी सकते हैं गाइस, यही तो चाहिए था। ये देखिए ये वाली छोटी पुल है और इधर साइड से बड़ी पुल आपको नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ से पूरा पानी देखिए कितना फ्लो है, 1x में करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना, और ये ना अभी कुछ दिन पहले बह भी गया था, यहाँ पे पूरा जलमग्न हो गया था। ये देखिए कुछ पड़े हैं खराब चीज़ें, ये छोटी, ये मेरे को आज तक कन्फ्यूजन हो गया भाई कि ये बड़ी पुल है कि छोटी पुल हो गया। इधर ही उधर ही तो है सामने सामने, यहाँ पे पानी और वहाँ पे वाटर एक्टिविटी हो रही है भाई। तो चलिए चलते हैं वो अपना पूरा। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग रेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आके यार मज़ा आ गया। ये देख सकते हैं मतलब ये चीज़ जो देखने में मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ से पूरा अपना ये छोटी पुल बड़ी पुल जो भी होगा पानी बहता है ना, तो ये मज़ा आता है। यहाँ पे बैठने के लिए भी है बढ़िया, मेरा यहाँ चाय पीने का मन है भाई, चाय तो पी लूंगा। अब चलिए ये जो पुल है भाई ये बहुत डेंजरस, मतलब एक आध दो बार ये, मतलब पिछले 2-3 साल पहले ये ढह भी चुका है। और ये देखिए भाई पानी का क्या फ्लो है, आप लोग को दिखाते हैं। अब चलिए अपन रोप वे में चलते हैं, कैमरे की CCTV सर्विलेंस सब लगा है भाई, काफी मस्त है भाई। पहले फोन अच्छे से पकड़ लेते हैं भाई, नहीं तो फोन गिर ना जाए। ये देखिए काफी प्यारा भाई, मतलब पानी के बीचों बीच हम लोग आ रहे हैं भाई। अगर ये ढहेगा ना, अरे बहुत बार गिर चुका है इसलिए बोल रहे हैं। ये देखिए मतलब अपना ये जो है, ये बड़ी पुल छोटी पुल जो भी होती है, एक ये पुल है ये पुल है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें है कौन छोटी पुल बड़ी पुल। और पहले तो फोन अच्छे से पकड़ लेते हैं भाई, ये देखिए कितना मस्त है भाई, थोड़ा अच्छे से, बिकॉज धक्का अगर लगेगा ना भाई तो हाथ तो गिर जाएगा फोन भी। ये देख सकते हैं आप लोग क्या प्यारा भाई व्यू आ रहा है। अभी 2-3 दिन से मतलब पिछले 5-10 दिन से बारिश नहीं हुई, तो अभी ये फिर से फुल हो गया था। ये चीज जो बोल रहे हैं ये देखिए, अरे गजब भाई, इसके लिए जिगर चाहिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, मेरी फटती है भाई इतना। हालांकि ये कॉन्फिडेंस है भाई कि नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी अपने को लगता है भाई। और पानी की आप गड़गड़ाहट सुनिए कितना ही प्यारा है, नेचर से आपको कनेक्ट करने के लिए ये सब चीज नेचुरल दिखाया गया है, थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है यहाँ पे बस, और ज्यादा इसमें चेंज नहीं किया गया है। आज जो ये सब लिखा है ना, इसका 50% ऑफ है, ये टिकट काउंटर है। जो अपना पुल है ना ये काफी मतलब मजबूती से बना है, इस बार देख सकते इस बार जब बना है ना, इस बार ढहने का कोई चांस ही नहीं है। हालांकि पानी ऊपर आ गया था, लेकिन मैं रीवा में नहीं था जब यहाँ पे 15 अगस्त के समथिंग के देखे कितने चौड़े चौड़े पिलर से बने हैं भाई। और ये देखिए यहाँ पे अपना ये वाला अपना पुल, जितना वो चौड़ा है उतना ही चौड़ा, इससे ज्यादा चौड़ा ये वाला है भाई। अपने पीछे देख सकते, मतलब ये जो नदी कितने करीब से देख पा रहे हैं यार, मेरे को कितना अच्छा लगा यार। मतलब मुश्किल से इसमें 50-60 फुट अपन दूर होंगे, 1x में करके दिखाते हैं, 1x में ही जो अच्छा दिखता है, और 2x में करके दिखाते हैं। ये देखिए चलिए एक रील बनवाते हैं यहाँ पे, मतलब कितने पास से और पास जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जाएंगे नहीं भाई फालतू में। ये मतलब कितना दुग्ध धारा टाइप का बन रहा है, ये देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल जैसे रहते वैसे ही धुआं फेंक रहा है, इतना पानी का प्रेशर है भाई। ये देखिए पूरा चट्टाने ही चट्टाने हैं पूरे यहाँ से, मतलब ऐसा थोड़ा स्लोप टाइप का, नीचे टाइप का बना है। ये देखिए आपको सीढ़ी टाइप का बना है। एक और नदी कटी है ये पीछे साइड से, आपको फिर अपन दिखाते हैं, मतलब ये दो नदी इधर से गई हैं, यहाँ पे भी कितना मस्त है, ये अनएक्सप्लोर्ड, मतलब मैं तो अभी जब जब आप आएंगे यहाँ से तभी दिखेगा।
ये आपको तट दो जानते कहाँ से कटेगा, जब आप मैं आपको पुलिया के पास चलूंगा तब दिखाऊंगा आपको ये सब कहाँ से कटेगा। ये देखिए इधर भी जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ये प्रतिबंधित क्षेत्र रेस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ से ताला वाला बंद कर दिया भाई, बिकॉज ये ज्यादा मजबूत नहीं है, मजबूत लेकिन कभी भी टूट सकता है भाई, कौन रिस्क ले। और पानी का फ्लो आप लोग देख ही सकते हैं भाई, हाहाकार वाला फ्लो है, एक बार जो कोई बहे तो उसमें हड्डी हड्डी सब टूट जाएगी, बिकॉज इसमें इतने पत्थर हैं भाई, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग बाइक पे फोटो खिंचवा रहे हैं, अच्छी है बाइक, ये देख सकते हैं इनकी फोटो फिर यहाँ खिंचवा रहे हैं, इको पार्क में लगा के देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए ये जो टापू है, ये देखिए ये इधर साइड है, एक इधर साइड है, और ये जो अभी दिखा रहे थे व्लॉग ये इधर से पानी आता है, तो मतलब दोनों कटे हुए, ये बीच में टापू बना है, टापू के बीच में अपना इको पार्क। तो गाइस आज देख सकते हैं शाम के 6:36 हो चुके हैं, और ये देखिए क्या भीड़ लगी है भाई, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, ये देखिए शाम का नजारा। हाँ वैसे इतनी भीड़ तो नहीं है, ये देखिए आपको रात का नजारा दिखाते हैं इको पार्क का, मतलब फ्रंट पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे ज्यादा भीड़, मतलब बाहर पे, बाकी अपना पास में ज्यादा भीड़ नहीं है। देखिए इस देख सकते हैं भाई ये लाइन, आज सुबह ठीक आ गए थे भाई अपन, यहाँ पे शाम को अपन ये देखिए लाइन का सामना करना पड़ रहा है। कितनी लंबी लाइन है ये देखिए, आपको दिखाते हैं, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक लंबी लाइन का सामना है, क्योंकि सब फ्री की लूट ले रहे हैं ना भाई, आज फ्री है तो फ्री में भाई सब लोग को मजा आ रहा है। तो सब व्लॉग रखेंगे, इस बार दिखा चुके हैं, बस आपको रात की लाइटिंग दिखाना था कि रात को कितना प्यारा लगता है, ये देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड में भी करके दिखाएंगे ये मंदिर, मतलब देखिए रात को दिन के कंपैरिजन में रात को ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये देखिए भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई भाई, जब 3 बजे आए थे तो भीड़ नहीं थी। आपको रात का व्यू, रात को व्यू दिखाना था, ये देखिए अपना ये पानी कैसे यहाँ पे लाइटिंग भी लगती है उसके कारण, ये देखिए जो डिस्को लाइट है वहाँ पास चलते, बस बहुत ज़्यादा ब्लॉग को नहीं कीजिए, बस आपको मतलब मेरा ये था कि रात को कैसा लगता है आपको अपने ब्लॉग में दिखाना था। तो ये देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा, मतलब थोड़ा ठंडाहट फील हो रही है, मतलब यहाँ पे ना ये जो थोड़ा धुआं धुआं टाइप का आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे पूरा ब्रिज, और ये अपना इधर साइड का लाइटिंग। इस बार लास्ट व्यू दिखाते हैं, लौट रहे हैं भाई, बिकॉज हमारा तो हिम्मत नहीं है भाई जाने का, क्यों झूठ बोलूं, लाइटिंग आपको बस दिखाना था, और अपने पीछे देख सकते कितनी भीड़ है भाई। ब्लॉग एंड करते हैं, आप पीछे देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। चलिए यही ब्लॉग से गाइस, चले मिलते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने पीछे देख सकते हैं इको पार्क है 7 बजे, मतलब ये देखिए भाई पुलिस वाले खासा परेशान हो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जब कोई वो इवेंट होता है ना तो पुलिस ज़्यादा परेशान होती है, बिकॉज पुलिस को ही ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, ये देखिए। चले गाइस बाय, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। गाइस फाइनली वहाँ पे घूम के आ गए, काफ़ी थक गए थे भाई, अब आगे ब्लॉग करने की हिम्मत नहीं थी, मतलब मेरा ये कह सकते मतलब ये देखिए आप लोग को ये नए वाला फ्लाईओवर, मतलब मैं जब जब इस टाइम पे गुजरता हूँ ना भाई, तो मतलब ये मतलब मैं जब जब यहाँ से गुजरता हूँ तो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ भाई, देख सकते बोलते बोलते गला मतलब बैठ गया यार, तो मतलब आपको ये कंक्लूजन बता रहे थे भाई, आज से 1 साल हो गया, ठीक मेरे को कहने का मन नहीं, लेकिन देखिए मेरे कुछ दोस्त लोग थे मेरे पास, अभी ये हाल ही में आईफोन 15 खरीदा, ठीक इससे पहले मैं मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मतलब पैसा था, ये जाने वाली दिक्कत नहीं थी भाई कि 100 रुपये लगेगा, वो वाली नहीं थी, लेकिन जानते हैं आप कि मैं अकेले तो जा नहीं सकता, मैं जाऊँगा तो मेरे को वीडियोग्राफर चाहिए, एक तो अच्छा फ़ोन भी चाहिए था, 1 साल पहले जब मेरे पास नहीं था भाई, तो मतलब मैं बहुत से लोगों को बोला, मैं इतना तक करने को बोला चलो मैं तुमको अपनी गाड़ी में बैठा के ले चलूँगा, और अपना बाइक में बैठा के, और 100 की टिकट जहाँ लगती है भाई वहाँ अपन 50 देने को भी बोल रहे थे भाई, चलो तुम्हारा 50 रुपये का मैं टिकट, लेकिन कुछ लोग भाई समझ रहे हैं ना कि भाई वीडियो मैं बनाता हूँ और व्यू मैं छापता हूँ, यूट्यूब ही व्यू करता हूँ, समझ रहे हैं ना, बस यही वाली बात है, नाम नहीं लूँगा गाइस, लेकिन मैं 1 साल बाद यार बताए कौन इतना वो करता है भाई, तो आज हम और ऋतुराज के साथ आए हैं, तो यही है गाइस, आज अपने पास से तो सब जगह जा चुके हैं, लेकिन पहले क्या था भाई खेल लगाने वाला, अपने आप बताओ आप अपनी बाइक में बैठा के ले आओगे, पैसा भी इसका पे करने को 50% रेडी थे यार, लेकिन लोग फिर भी नहीं जाते यार, इसलिए कहते हैं गाइस दुनिया बहुत जालिम है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, यही था भाई बताइए, मतलब मुझे इस चीज़ में हंसी या गुस्सा आ रहा है यार,
मैं रीवा शहर में होते हुए इतना बढ़िया पार्क बना, एक साल से मैं वेट किया यार। कई बार गए लेकिन ऐसा वो था कि भाई फ़ोन नहीं था, चाहिए फ़ोन तो अपने को अच्छा चीज़। तो यही था गाइस व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। आज मेरे पास है लेकिन खुद का है तो मैं आज आ सकता हूँ अपने पास यार। चलिए यही था व्लॉग।